तो यार आप हो आईपीएल के फैन, लेकिन क्या हो अगर किसी दिन आपके किसी दोस्त ने आपसे पूछ दिया कि चलो मुझे कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताओ जो कि आईपीएल में आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। और जहां तक मुझे पता है आप मुश्किल से 2 से 3 खिलाड़ियों के नाम बता पाएंगे, जिसमें शायद मिचेल स्टार्क, यूजी चहल और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों का नाम हो। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जो कि आईपीएल में एक समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टीम के लिए खेल चुके हैं, लेकिन इसके बारे में ऑलमोस्ट 99% लोगों को खबर नहीं है। तो ये 10 ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट हमने बनाई है, जिसमें हेनरिच क्लासिन हो गए, स्टार्क हो गए, केएल राहुल हो गए, यूजी चहल हो गए, इन सभी खिलाड़ियों का नाम नहीं है बल्कि कुछ शॉकिंग नाम है जो कि आप पहली बार सुनेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे आ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी खबर आपको मिलेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इस लिस्ट में 10वें नंबर पे जिस खिलाड़ी को हमने रखा है वो है आवेश खान। बिल्कुल सही सुना, आवेश खान आईपीएल में आरसीबी का हिस्सा रह चुके हैं। आपने इनको दिल्ली कैपिटल्स की टीम में देखा होगा, लखनऊ सुपर जायंट्स के टीम में देखा होगा, यहां तक कि राजस्थान रॉयल्स के टीम के जर्सी में भी देखा होगा, लेकिन शायद आपने आरसीबी के जर्सी में इनको नहीं देखा होगा। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि आईपीएल 2017 में ये आरसीबी के टीम का हिस्सा थे और उनके लिए कुछ मैचेस भी इन्होंने खेला है जो कि इस लिस्ट में 10वें नंबर पे रखे गए हैं। उसके बाद 9वें नंबर पे आते हैं हमारे टेस्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा। जी हाँ, चेतेश्वर पुजारा आईपीएल के शुरुआती सीजनों में कंसिस्टेंसी से हमें टीमों के तरफ से खेलते हुए दिखा करते थे और उन टीमों में से आरसीबी भी एक ऐसी टीम है जिसके लिए ये खेल चुके हैं। साल 2011 से लेकर साल 2013 तक ये आरसीबी के कैंप का हिस्सा थे और आरसीबी के टीम के लिए काफ़ी मैचेस इन्होंने खेले हैं और इसी वजह से 9वें नंबर पर आते हैं चेतेश्वर पुजारा, जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं ही हो। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है एक और खिलाड़ी, सिमरन हेटमायर। आईपीएल के करियर की शुरुआत सिमरन हेटमायर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से की थी। मुझे याद है ऑक्शन में काफ़ी डिमांड में थे सिमरन हेटमायर और आरसीबी ने इनको खरीदा था और हाइप बहुत ही तगड़ी थी हेटमायर की आरसीबी में आने के बाद, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार था सिमरन हेटमायर का। जितने स्टार्टिंग में इनको मौके मिले उन सभी मैचेस में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और बाद में आरसीबी ने इनको प्लेइंग 11 से भी ड्रॉप कर दिया, लेकिन आईपीएल 2019 के लीग मैच के आखिरी मैच में इनको मौका मिला और वहां पे इन्होंने एक 50+ इनिंग खेली, अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन 2020 के लिए आरसीबी ने हेटमायर को रिटेन नहीं किया, रिलीज कर दिया, फिर ये दिल्ली कैपिटल्स के टीम में गए और उसके बाद अब राजस्थान की जर्सी में दिखाई देते हैं, लेकिन शुरुआत तो इनकी आईपीएल में आरसीबी के साथ ही हुई थी। और 7वें नंबर पे आते हैं एक बड़ा नाम, आईपीएल के एक लेजेंड खिलाड़ी ब्रेंडन मैकल्लम। ब्रेंडन मैकल्लम अपने आईपीएल का करियर ख़त्म किए हैं आरसीबी के टीम के साथ। साल 2018 का वो सीजन था जब आरसीबी ने ब्रेंडन मैकल्लम को मेगा ऑक्शन से अपनी टीम में ख़रीदा था। हालांकि मैकल्लम उस समय अपने करियर के एंड स्टेज पे थे और इसी वजह से उस साल इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया। 2019 से आईपीएल में इन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली, तो इसी वजह से एक सीजन ये आरसीबी के जर्सी में हमें दिखाई दिए हैं और इस लिस्ट में 7वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर पे आते हैं न्यूजीलैंड के बैट्समैन रॉस टेलर। रॉस टेलर ने भी आईपीएल में काफ़ी सारी टीमों के लिए खेला है और आरसीबी की टीम भी इज वन ऑफ देम जिनके लिए आईपीएल में ऑलरेडी खेल चुके हैं। आरसीबी के लिए ये 3 सीजनों में दिखाई दिए, साल 2008 से लेके साल 2010 तक ये आरसीबी के कैंप का हिस्सा थे, उनकी टीम में हमें दिखाई दिए और उनके लिए काफ़ी मैचेस भी खेले हैं। बाद में आरसीबी ने अभी हाल ही में इनको जर्सी से हॉनर भी किया है, तो ओवरऑल ये आरसीबी के एक बढ़िया खिलाड़ी रह चुके हैं जो कि 6ठे नंबर पे आते हैं। अब चलते हैं टॉप 5 खिलाड़ियों की तरफ और इस लिस्ट में पहले नंबर पे जिस खिलाड़ी का नाम है ना, उसका नाम जान के आप टोटली शॉक होने वाले हैं। शायद आपने उनका नाम आज से पहले सोचा भी नहीं होगा कि क्या इन्होंने भी आरसीबी के लिए खेला है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो खिलाड़ी कौन है। लेकिन 5वें नंबर पे है ट्रेविस हेड।
जी हाँ, वही ट्रेविस हेड जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी सेंचुरी लगाई थी, और इस समय हैदराबाद के टीम के लिए इन्होंने आईपीएल 2024 में भी बवाल मचा के रखा था। ये आरसीबी के कैंप का भी हिस्सा थे आईपीएल के दो सीजनों के लिए, साल 2016 और साल 2017। ये दो सीजन ट्रेविस हेड आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। हालांकि उस समय ट्रेविस हेड उस कद के बल्लेबाज नहीं थे जो आज हैं, और इसी वजह से बाद में आरसीबी ने इनको रिलीज करना ही बेहतर समझा, लेकिन ये आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। चौथे नंबर पे आते हैं एक शॉकिंग नेम जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, भुवनेश्वर कुमार। आईपीएल में भुवनेश्वर कुमार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं साल 2009 और साल 2010। ये दो सीजन ये आरसीबी के टीम का हिस्सा थे। मैचेस उनको ज़्यादा नहीं मिले लेकिन उनके कैंप का हिस्सा थे। उस समय एक युवा गेंदबाज थे तो इसी वजह से ज़्यादा मौके इनको आरसीबी नहीं दी। उसके बाद इन्होंने पुणे वॉरियर्स टीम को ज्वाइन किया जहाँ से उनके आईपीएल के करियर की शुरुआत हुई, और उसके बाद आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बन के ये साबित हुए। और टॉप थ्री खिलाड़ियों के लिस्ट में तीसरे नंबर पे हैं स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया के इस महान बल्लेबाज ने अपने आईपीएल के करियर की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम से की थी। साल 2010 में आरसीबी ने इनको एज ए रिप्लेसमेंट साइन किया था क्योंकि इनके गेंदबाज जेस राइडर चोटिल हो गए थे, तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे स्टीव स्मिथ को आरसीबी ने अपने टीम में लिया। लेकिन आरसीबी ने इनको एक भी मौके नहीं दिए, और उस समय स्टीव स्मिथ एक स्पिन गेंदबाज हुआ करते थे ना कि बैटर, और उन्होंने आरसीबी के कैंप को एज ए स्पिन बॉलर ही ज्वाइन किया था। हालांकि बाद में इन्होंने स्पिन गेंदबाजी छोड़ के अपनी बल्लेबाजी पे फोकस किया और इस समय एक दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में माने जाते हैं, और ये आरसीबी के लिए भी खेल चुके हैं, उनके टीम का हिस्सा रह चुके हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं ओइन मॉर्गन, इंग्लैंड के टीम के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टीम के लिए खेल चुके हैं, जिसके बारे में शायद आपको आज से पहले ना पता हो। साल 2010 का ये सीजन था जहां पे आरसीबी ने इनको ऑक्शन से अपनी टीम में खरीदा था, और ओइन मॉर्गन को आरसीबी ने अपने प्लेइंग 11 में भी मौका दिया। हालांकि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया, और हम सभी को पता है कि अगर कोई खिलाड़ी आरसीबी के लिए परफॉर्मेंस ना करे तो अगले साल आरसीबी क्या करती है, डेफिनेटली रिलीज कर देती है। तो अगले साल आरसीबी ने इनको रिटेन नहीं किया, 2011 में अपनी टीम से रिलीज कर दिया, और इसी वजह से एक सीजन ये आरसीबी के टीम के लिए हमें खेलते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में पहले नंबर पे कौन है आप गेस कीजिए। मैं 100% कंफर्म हूं कि आप उस खिलाड़ी का नाम गेस नहीं कर सकते क्योंकि वो खिलाड़ी है पाकिस्तान के मिसबाउल हक। जी हाँ, पाकिस्तान के ये दिग्गज बल्लेबाज आरसीबी के टीम के लिए खेल चुके हैं जिनके बारे में 99% लोगों को कोई खबर नहीं है। साल 2008 का सीजन जब शुरू हुआ था उस समय पाकिस्तान के प्लेयर अलाउड थे आईपीएल में खेलने के लिए, और उसी साल आरसीबी ने मेगा ऑक्शन से मिसबाउल हक को अपनी टीम में खरीदा था, और ये आरसीबी के लिए उस साल खेले भी थे। अगले साल से पाकिस्तान के खिलाड़ी बैंड हो गए, जिसके बाद ये आईपीएल में हमें कभी दिखाई ही नहीं दिए, लेकिन ये खिलाड़ी आरसीबी के लिए खेल चुके हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर आपको ये बात पता होगी तो आप डेफिनेटली आईपीएल के एक हार्ड कोर वाले फैन हैं, आईपीएल के सबसे बड़े फैन हैं, आईपीएल के सबसे बेस्ट फैन का अवार्ड आपको मेरी तरफ से दिया जाता है। और मिसबाउल हक इस पूरी लिस्ट में पहले नंबर पे हैं, और एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये हैं वो 10 खिलाड़ी जो कि आईपीएल में आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, लेकिन 90% आरसीबी के फैंस, आईपीएल के फैंस को इसके बारे में पता नहीं है। आप मुझे बताइए कि आपको इन 10 खिलाड़ियों में से कितने खिलाड़ियों के बारे में ऑलरेडी पता था, और पूरी ईमानदारी से मुझे बताइएगा। तो अभी जाइए कॉमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ल्यूक्स क्रिक करके हमारी आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम पे भी आ जाइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मिलते हैं आपसे अगली किसी और नई फ्रेश वीडियो में फ्रेश टॉपिक के साथ, आईपीएल और क्रिकेट से रिलेटेड।